ज्योति, कांग्रेस क्या कमजोर कड़ी साबित हो रही है या दरअसल मुद्दे तो हैं, मुद्दे प्रमुखता से नहीं उठा पा रहे हैं विपक्ष, और प्रधानमंत्री मोदी पूरा नैरेटिव अपने इर्द गिर्द ही बुनने में कामयाब हो रहे हैं क्या? देखिए संदीप जी, आप खुद ही बहुत बातों को कहा है, और आज का प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू हुआ, और जो आप बिहार स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार बिहार में चुनाव अगर आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से अगर परसेप्शन पर होती है या मुद्दों पर होती है, तो दोनों में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। अगर आप परसेप्शन की बात करते हैं तो फिर देखा जाएगा ना कि प्रधानमंत्री जी 2014 में बोलकर आज तक क्या क्या बात किए हैं। अगर उन बातों को नहीं कर पाए हैं तो बिहार की जनता आप भी मानते हैं और इस पैनल में बैठे सारे लोग मानते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर कितना कितना मजबूत और सुदृढ़ है। आप अगर परसेप्शन की बात करते हैं संदीप जी, तो आप देखें नीतीश कुमार जी के रवैये को लोग परखेगा, जांचेगा और सोचेगा कि जो 16 सीट उनको मिली थी, क्या वो 16 सीट फिर से उनको दिया जाए। और 17 सीट जिसकी आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप देखें ना, औरंगाबाद इतना हाईली एंटी इनकम्बेंसी, मैं भागलपुर से आता हूं, आप भागलपुर में देखें जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं अजय मंडल, इतना ज्यादा उन पर एंटी इनकम्बेंसी है। आप कटिहार से लेकर किशनगंज से लेकर बांका आ जाइए, बांका में गिरधारी यादव भी वहां पर कैंडिडेट है। आप तो आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस की बात, जो सवाल मैंने पूछा था ज्योति, उसको थोड़ा सा आप सरकमवेंट कर गए। कांग्रेस कमजोर कड़ी है क्या? सारी सीटें आरजेडी ही जीतती दिख रही है, ये सातों की सातों में से एक शायद आपके खाते में आए। संदीप जी, मैंने सीटों का जो बात किया, हम तो इंडिया गठबंधन जीतेंगे और 40 का 40 जीतेंगे, लेकिन जहां कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो मैं जो सीट का नाम लिया, किशनगंज हम जीत रहे हैं, कटिहार आप बोल रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है जो कि हम जीत रहे हैं, भागलपुर जीत रहे हैं, अगर कोई भागलपुर गया है तो पूछ ले आप उनसे, भागलपुर हम जीत रहे हैं। हम और पप्पू यादव की पार्टी का विलय करवा दिया जन अधिकार पार्टी का, फिर उसे टिकट नहीं मिला, अब डेड हीट है, 1% के अंतर से नतीजा तय हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है, और उसमें एनडीए को बढ़त है। आपकी अंदरूनी कलह के चलते एनडीए के खाते में एक सीट जाती दिख रही है जो इंडिया की होनी चाहिए थी। गलत कह रहे आप, लेकिन संदीप जी आप नहीं, संदीप जी मुझे एक बात बताएं, आप एक बात मुझे, अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया, इनके अंदरूनी कलह का किसको फायदा होगा? क्या बीजेपी को ही फायदा होगा? क्या इंडिया गठबंधन को नहीं होगा? आपने दो दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुजफ्फरपुर काट दिया, और देखिए जो भी सी वोटर और जो भी ये एनालिसिस किए हैं, अभी तो हमने महाराजगंज की सीट नहीं अनाउंस की, सासाराम की सीट अनाउंस नहीं की, पटना सिटी की सीट अनाउंस नहीं की, ये आखिर किन मुद्दों पर होगा? आपको अगर मैं बताऊं तो भागलपुर में मुद्दे और कैंडिडेट की वजह से हम जीत रहे हैं। इस बात को कैंडिडेट और मुद्दे, ठीक है, अभी इस बात को भी आगे मैं बढ़ाता हूं, लेकिन कन्हैया भाई, कन्हैया बिलारी भी हमारे साथ हैं और बिहार को तो ये दशकों से ट्रैक करते आ रहे हैं और सब नेताओं को उनकी मजबूती और कमजोरी सब जानते हैं, ये अंदर खाने से क्या होता है सब जानते हैं कन्हैया। तो कन्हैया, ये 33-7 के आंकड़े से कितना आप खुद को जोड़ पाते हैं? 11% का अंतर है, 51-14 और 33-7 का आंकड़ा है। नहीं नहीं, ये जो आप 33-7 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, इट इज वेरी क्लोज टू द ट्रूथ। हम लोग भी यही, इसमें हो सकता है कि एक दो इंडिया का ही बढ़ेगा, महागठबंधन का ही बढ़ जाएगा, ये संभावना है। जैसे पप्पू यादव को हम लोग मान रहे हैं कि वो ही इज विनिंग, तो इंडिपेंडेंट रहेंगे लेकिन पार्ट ऑफ द इंडिया ही रहेंगे, जीतने के बावजूद भी वो एक सीट है। समस्तीपुर की सीट को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है कांग्रेस ने, लेकिन सन्नी हजारी ही होंगे वहां पर ऐसा लगता है, तो वो भी मजबूत कैंडिडेट है, वो भी आप सीट जीत सकते हैं। अब कांग्रेस का सासाराम में भी जो है इन्होंने अनाउंसमेंट, मतलब मोटी मोटी तस्वीर आप ये कह रहे हैं 30 का आंकड़ा छू लेगा एनडीए और 10 के करीब वो मुश्किल तक देखिए आपने जो बताया कि देखिए अभी जितनी भी सभाएं, जिसकी भी सभाएं हो रही हैं संदीप जी, उसमें स्पॉन्टेनियस जो क्राउड है वो तेजस्वी में ही है, और किसी में नहीं है। अभी एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है
क्योंकि हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को यह सलाह दी थी कि 7 कैंडिडेट्स आप बदल जाइए, बदल दीजिए, इनके खिलाफ घोर एंटी इनकम्बेंसी है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो बीजेपी क्या सलाह दे रही थी? बीजेपी ने अपने उम्मीदवार कितने बदले? सभी को एक अश्विनी चौबे टाइप कहीं एक दो पर गाज गिर गई, सबको रिपीट करना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी तो वहां भी होगी जो ज्योति कह रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभाओं में कल नीतीश कुमार, ऐसा हमने सुना है कि वो शिरकत नहीं करेंगे, वो साथ नहीं होंगे। इन लोगों ने एक ये इनके पास इंफॉर्मेशन था कि मुख्यमंत्री का जो भाषण हो रहा है बड़ा बोरिंग भाषण हो रहा है और प्रधानमंत्री को ही सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं अब आप समझिए। कल की जो दो मीटिंग हुई वहां उसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है, एक मिनट कन्हैया भाई, प्रभु इंटरवीन करना चाह रहे हैं। जो ने कही अगर ये सच है तो मैं जसवंत भी यहाँ बैठे हैं जो पहले प्रवक्ता बोल रहे थे कि नीतीश का आने का फायदा होगा, ये तो नेगेटिव लायबिलिटी होती जा रही है। इसका वोट और कम होंगे जितने होने चाहिए थे। और दूसरा एक बार दर्शकों को बता दें, कमिटेड वोट बैंक तो है नहीं, कमिटेड नीतीश कुमार के ना है ना, अरिथमेटिक का फायदा है, केमिस्ट्री का नहीं। वो बात लगातार ये नहीं, केमिस्ट्री का नीतीश कुमार नेता नहीं है, वहां पर सिर्फ कास्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। आप ये मानकर पहले अभी तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता है, अब ये मानकर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार तो नेता है ही नहीं। तो मतलब नीतीश कुमार फैसला नहीं। दूसरी बात, एक बार सीटों का बंटवारा बता दीजिए, मेरे कन्फ्यूजन उसमें रहा कि 33 सीटें किसमें, किसके खाते में कितनी है? आपने कांग्रेस की एक बता दी, इसमें से 33 में से बीजेपी की कितनी है? बीजेपी की 17 की 17 वो मानकर चल रहे हैं, पर इसमें क्लोज कॉन्टेस्ट भी है। बाकी 16 किसकी है? हाँ, पता लगे ना 16 लड़ रहे हैं, कितने लड़ रहे हैं, क्या लड़े ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा करेंगे। बाकी में 16 में जेडीयू की हैं कितनी? एलजेपी अपनी सारी सीटें जीता है 100% उनकी 100% वो आरएलएम, एक आरएलएम जीत, एक हम जीत रहा है, एक आरएलएम जो है वो जीत रहे हैं, ये है बची हुई। फिर उसमें जेडीयू, नीतीश कुमार अगर कल नहीं आते हैं ये अपने आप में फायदा, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।